गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे पैसे की वजह से, तो हम लोग उसके उसको स्कॉलरशिप के हिसाब से, यानी सरकार की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है और हमारे रेडियंट की तरफ से भी उसको स्कॉलरशिप के हिसाब से उसको हम लोग पढ़ाएंगे। सीमांचल के छात्र छात्राओं के लिए रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं बड़ी खुशखबरी। जो कोर्स करने के लिए सीमांचल के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, खासकर वैसे छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका है। बी फार्मा, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, सीएमडी, डीएमएलटी, डीओटीए, डीपीटी, डीएमआर की कोर्स अब आप रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस किशनगंज में कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनिए रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट डायरेक्टर मिसबाउद्दीन बुखारी एवं प्रिंसिपल डॉक्टर जहांगीर आलम को। देखिए, मैं सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप आए हैं हमारी जानकारी लेने के लिए। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल की अतः गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, हमारे रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पहले दो ही कोर्स चलता था, वी फार्म, डी फार्म, यानी फार्मेसी कॉलेज था। और वी फार्म जैसे 4 साल का कोर्स है और डी फार्म 2 साल का कोर्स है। इस साल बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट के लिए कि हमारे यहाँ एएनएम एक कोर्स है जो 2 साल की कोर्स है, और जीएनएम है जो 3 साल की कोर्स है, और पैरामेडिकल भी हम लोग यहाँ पर रेडियंट में लाए हैं, जिसमें पहला है 1 साल का कोर्स है सर्टिफिकेट इन मेडिकल डेसर, और 2 साल का कोर्स है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, एक डोटा है 2 इयर्स कोर्स का है यानी डिप्लोमा इन ऑपरेशन असिस्टेंट थिएटर है, और उसके बाद डीपीटी 2 इयर्स का है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, उसके बाद डीएमआर है मैंने 2 इयर्स का है डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी है। ये सारे कोर्सेस हमारे रेडियंट ग्रुप में आए हैं। तो जो भी बच्चे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप जल्द ब जल्द इस साल अपना एडमिशन करा ले रेडियंट में। सर, जो गरीब अगर बच्चे हैं कोई पढ़ना चाहते हैं तो अगर नहीं कर पाते हैं पैसा की तंगी के लिए, उसके लिए कुछ? जी, गरीब बच्चे के लिए हमारे यहाँ DRCC एक लोन है, जैसे बी फार्म के बच्चे को फुल्ली 4 लाख का लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और GNM में भी आपको सरकार की तरफ से DRCC लोन मिलेगा। उसके अलावा हम लोग देखेंगे सर्च करके, जे अगर अच्छे हैं पढ़ने में, अच्छे हैं या गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे पैसे की वजह से, तो हम लोग उसके उसको स्कॉलरशिप के हिसाब से, यानी सरकार की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है और हमारे रेडियंट की तरफ से भी उसको स्कॉलरशिप के हिसाब से उसको हम लोग पढ़ाएंगे अगर गरीब बच्चे हैं तो। आपकी यहाँ पर व्यवस्था क्या है जो बच्चे के रहने के लिए? जो बच्चे के लिए रहने के लिए अच्छा खाने का इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है, उसको फुल्ली एकोमोडेशन के साथ दिया जाएगा। 3,500 रुपया फीस है, उसको रूम्स, बेड, आपका सारे एकोमोडेशन, अलमारी वगैरह, उसके बाद खाने का 4 टाइम खाना मिलेगा उनको, उसको रिहाइश के लिए अच्छा जगह मिलेगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। ये आपका जो इंस्टीट्यूट है कब से ये है? एक्चुअली 2020 से चल रहा है, और पहले हमारा सिर्फ बी फार्म और डी फार्म की पढ़ाई होती थी, लेकिन 2022 का सेशन से हम लोग को कैक और ये मिला है कोर्सेस, जैसे एएनएम, जीएनएम, सीएमटी है, डीएमएलटी है, डोटा, डीपीटी, डीएमआर है, ये सब कोर्सेस आए हैं। जो लोन है या लोन की जो प्रक्रिया जी, वो कौन पूरा करके देंगे? जो लोन की प्रक्रिया कुछ हमारे इससे कागजात के थ्रू से भी होता है, और सरकारी जो नियम है उसी के थ्रू से होता है। हम लोग कागज बोनोफाइड देते हैं, बोनोफाइड वो जमा करेंगे DRCC ऑफिस में, वो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव्ड होके आपको मिल जाएगा। तो आपका नाम? मैं मिसबाउद्दीन हूँ, यहाँ का चेयरमैन, रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हूँ। सबसे पहले मैं सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे कैंपस में आए और एक अच्छा एक इदारा के बारे में उन्होंने न्यूज़ कवर करना चाह रहे थे।
हमारा कॉलेज का नाम, मैं डॉक्टर जहांगीर आलम, प्रिंसिपल, रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, किसने। सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखिए दो कोर्स होते हैं खास करके, डी फॉर्म और बी फॉर्म। रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस किशनगंज, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होता है, और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलेटेड है, और बिहार सरकार के तरफ से NOC मिलता है इसमें। बेसिकली बी फॉर्म 4 साल का कोर्स होता है और डी फॉर्म 2 साल का कोर्स है। दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% होना चाहिए। हमारे यहाँ पे खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर देखा जाए तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारे यहाँ जो एकेडमिशियन है, जो फैकल्टीज़ हैं, ज़्यादातर फैकल्टीज़ आपको जब पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो NIRF रैंक होता है, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD की तरफ से जो रैंकिंग किया जाता है, वो जामिया हमदर्द आता है और फार्मेसी में 1 कॉलेज है। वहाँ से 4-5 फैकल्टी हमारे यहाँ पे है, खास करके इसके अलावे भी कोलकाता से और आपके जो है गुवाहाटी साइड के भी कई एक फैकल्टीज़ हैं जो एक अच्छे स्किल्ड एकेडमिशियन है हमारे कॉलेज में। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छे एकेडमिशियन होने के नाते बच्चों के एक अच्छे प्रैक्टिकल, एक अच्छे से थ्योरी का पढ़ाई होता है और उसको नॉलेज होता है। सबसे पहली बात है ये बात है कि ये इंस्टीट्यूट क्यों यहाँ सेटअप करने की ज़रूरत पड़ी। सीमांचल एक पसमानदा इलाका है जिसमें आज तक जो है यहाँ पे कोई फार्मेसी कॉलेज नहीं था, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब के पहल से ये रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस बिहार सरकार के इससे अप्रूवल से ये कॉलेज बना है, और कहीं ना कहीं यहाँ के सोसाइटी को, यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है और बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। 2020 से एस्टेब्लिशमेंट है डी फॉर्म और बी फॉर्म के कोर्सेज। सर ये आपके डायरेक्टर साहब एक चीज़ से बताएं, कुछ कोर्सेज जो है वो नया चल रहा है जी। हाँ देखिए 2020 में हमारा फार्मेसी कोर्सेज आए हैं और अभी 2023 से जो है एक दो कोर्स आए हैं हमारे पास में, खास करके दो कॉलेज हैं, एक नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें ANM और GNM के कोर्सेज होंगे, दूसरा कॉलेज हमारा है पैरामेडिकल कोर्सेज जो है, जिसमें आपको पता है कि DMLT जो है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, DMRT, OT टेक्नीशियन, कई तरह के कोर्सेज है पैरामेडिकल कोर्सेज का है। तो ये अपडेट अभी हुआ है क्योंकि देखिए ये इलाका इतना पसमानदा है और इस इलाके के बच्चे ज़्यादातर माइग्रेट होके, आपको पता है, हरियाणा, राजस्थान और कहाँ कहाँ जाते हैं पता नहीं, और इसमें क्या होता है बच्चे को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये एक पहल है जिसमें ये चीज़ हमारे बच्चे, ये सीमांचल के बच्चे कम पैसे में और एक अच्छा स्किल्ड बच्चे बन पाए, इसी वजह से ये इंस्टीट्यूट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। सीमांचल के बच्चों के लिए या फिर पूरे हिंदुस्तान या फिर बिहार के बच्चों? ये ऐसा कुछ नहीं है, खास करके प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग अपने इलाके को देखते हैं ज़्यादातर, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आ सकते हैं। आना चाहे तो जैसे कि बिहार से बाहर या फिर उधर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सीमांचल से? जी जी, हमारे देखिए ये सीमांचल के किशनगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपके नियर बाय में एक देखिए वेस्ट बंगाल पड़ता है आपका जो है, फिर इस इधर जो गुवाहाटी का एरिया पड़ता है, असम का एरिया पड़ता है, इधर नेपाल का एरिया पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सभी जगह के बच्चे हमारे पास हैं और आते हैं और एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं।